स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत सारे व्लॉगर्स को हम देख रहे हैं आजकल, जब व्लॉग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाई स्क्रिप्टेड है, देखने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि कोई हम डेली सोप देख रहे हैं, बस बैठ के 90% ज्ञान देते हैं और 10% व्लॉगिंग दिखाते हैं। कुछ तो वो भी नहीं करते, कुछ तो अपनी जर्नी, पता नहीं अलग अलग जर्नीज बताने के चक्कर में 80% जो व्लॉग है वो ज्ञान देने में निकाल देते हैं। देखिए, ज्ञान बुरा नहीं है, पर व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी लाइफ के बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स दिखाना या फिर लोगों को एंटरटेन करना, एज सिंपल एज दैट, फ्रॉम कंटेंट। तो आज ऐसे एक व्लॉगर हैं जिनका नाम है क्षितिज ढोलकिया, उर्वशी ढोलकिया के बेटे हैं। उर्वशी आपको पता ही है, सबको पता होगा जिन्होंने भी कसौटी जिंदगी की देखा है कि वो कौन है, कोमलिक का हाँ जी बिल्कुल वही। तो असेंशली मैं जब क्षितिज के व्लॉग्स देख रही थी तो सच बोलूँ तो दिल बहुत हल्का हुआ, और कारण है उनकी नानी। जी हाँ, उर्वशी की जो मदर है, क्षितिज की जो नानी है, मैं सच बोलूँ तो जैसा रिलेशनशिप एक नानी और पोते का होता है, जिसमें जब आप व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना रियल है सब कुछ, कितना अनस्क्रिप्टेड है, और कैसे यू नो वो सारे प्रेशियस मोमेंट्स क्षितिज अपनी नानी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हर किसी को देखे। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, बट क्षितिज के सारे मेन व्लॉग्स जो हैं, जो इनफैक्ट हिट हैं उनके चैनल पे, उसमें उनकी नानी ही है। एंड उनकी जो नानी है वो हर दूसरी तीसरी बात पे उनको डांटती हैं, और खैर ये उनका हक भी बनता है क्योंकि क्षितिज कोई मौका नहीं छोड़ते अपनी नानी को परेशान करने का। ये जो नोकझोंक है नानी पोते की, ये देख के दिल को पता नहीं बहुत ही खुशी सी मिलती है। कई बार क्षितिज कहते हैं कि नानी आप मेरे लिए बना दो, मेरे लिए वो बना दो, तो जब नानी जाके किचन में खड़ी होती है तो वहाँ से शुरू होता है क्षितिज का अपनी नानी को परेशान करने का सिलसिला। बहुत सारे व्लॉग्स देखने के बाद, अच्छा कई बार जैसे घर फैला होता है तो एक बार क्षितिज ने दिखाया तो नानी कहती है, ए क्या कर रहा है, तुझे समझ नहीं आता घर इतना फैला हुआ है, फिर लोग बोलेंगे पहले घर संगवा, घर पूरा ठीक करवा उसके बाद व्लॉग बना। तो वो एकदम से उसको वो ये नहीं करती है कि नहीं यू नो आई नीड टू बी स्वीट फॉर व्लॉग्स, या फिर मुझे एक अलग सा रूप रखना है। जैसे हमें बहुत सारे लोगों को देखा है व्लॉग्स में वो एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनके जो माँ बाप हैं वो बिल्कुल ऐसे रोबोट बन के बैठे होते हैं कि हमें अभी अच्छा ही बिहेव करना है। उनका हक ही नहीं होता कि वो व्लॉग पे बैठ के अपने बच्चे को डांट सकें कि यू नो ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्षितिज की जो नानी है वो ये नहीं देखती कैमरा ऑन है कैमरा नहीं है, नहीं, उनको जो एक्सप्रेस करना है, जैसे बात करनी है क्षितिज से, वो वैसे बात करती हैं। एंड एट द सेम टाइम उनका प्यार जो है अपने पोतों के लिए वो भी दिखता है कि जिस तरीके से वो खाना ऐसे सर्व करके कहती है, खा के बता कैसा है, अरे नमक ज़्यादा अरे नमक कम, बहुत मतलब एक प्यारा एटमॉस्फेयर है। एंड ओवर एंड अबव क्षितिज इज एन एनिमल लवर। कल या परसों में एक व्लॉग देख रही थी, मुझे नहीं पता वो कब अपलोड करा गया, पर क्षितिज ने एक स्ट्रे को भी अडॉप्ट करा हुआ है। ही हैज़ अ हस्की और अपने एक स्ट्रे डॉग है, और उसकी एक सिस्टर है, एक और स्ट्रे डॉग है, उसको भी फरी बच्चे को उसने अडॉप्ट कर लिया। एंड यू विल बी सरप्राइज कि जब उसने अपनी मॉम को जाके बोला मम्मा मैंने ब्राउनी को भी अडॉप्ट कर लिया, तो उर्वशी ढोलकिया वॉज ऑल कूल अबाउट इट कि हाँ ठीक है, मतलब यार एक डॉग को पूरे फुल फ्लेजेड फरी बच्चे को घर में वो ले आया। सो इट ट्रूली शोज कि इवन उर्वशी इज़ अ वेरी बिग एनिमल लवर। एंड सोशल मीडिया पे जहाँ पे हर चीज़ बहुत ही आजकल मैं बोलूँगी टेंस्ड बनी हुई है, आए दिन हर दूसरा तीसरा व्लॉगर बैठ के एक स्क्रिप्टेड व्लॉग बना रहा होता है, जहाँ पे वो ये सोच रहा होता है कि मैं कैसे अपने व्लॉग्स को सनसनीखेज बनाऊँ ताकि व्यूज़ आएँ। तो ये सब में अगर कहीं पे मुझे कुछ ऐसा लगा कि क्षितिज के जो लॉन्ग फॉर्मेट, मैं शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेनली लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि क्षितिज अपलोड करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, तो क्षितिज के नानी वाले व्लॉग सारे देख लीजिए, यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे तो नहीं देखे हैं, पर मुझे बहुत पसंद आती है उनकी इंटरेक्शन उनकी नानी के साथ, और दिल जो है वो हल्का हो जाता है। वैसे उनकी नानी है बहुत ज़्यादा प्यारी, एंड कई बार जब वो स्टिक लेके दौड़ती हैं या फिर मारने को दौड़ती हैं क्षितिज को, आई गेस कल की बात है, मैं ब्लॉग देख रही थी तो क्षितिज ने बोला कि अरे इतना सा बच्चा हूँ मैं, आप मेरे पे इतना वो कर रहे हो, तो वो कहती तू बच्चा नहीं है, तू 28 साल का घोड़ा है घोड़ा। तो वो सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता, वो बिल्कुल रियलिस्टिक है। एंड यही बहुत सारे व्लॉगर्स की व्लॉग में से अब मिसिंग हो चुका है कि भाई आप अपनी लाइफ रियलिस्टिकली दिखाओ, आप वो पॉइंट्स दिखाओ जहाँ पे लोग एंटरटेन हो। आप बैठ के यार एक एक घंटा, कई लोग तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे मैडम जनाब टाइप के लोग हैं जो कि एक एक घंटा बैठ के सिर्फ बोलते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो व्लॉग रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो सिर्फ बोल बोल के अपना जो व्लॉग है उसमें फिलर्स डाल के ख़त्म करते हैं। सो
और भी बहुत सारे हैं व्लॉगर्स जो कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो रियलिस्टिक हैं, एंड हेंस अगर आप क्षितिज ढोलकिया का व्लॉग देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका दिन जो है बहुत अच्छा ही जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी फनी, एंटरटेनिंग, एक्सट्रीमली नॉर्मल एंड अनस्क्रिप्टेड व्लॉग। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। आगे भी आपके लिए मैं ऐसे व्लॉगर्स लेके आती रहूंगी जिनको देख के आपका दिल और आपका दिन दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।